फ्रेंड्स आई एम एलपी राकेश, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स मैं आज का वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो अभी करेंटली वायरल चल रही है। और जो टॉपिक रहेगा कि 15,000 वैकेंसी आने वाला है एलपी का क्या, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक ये डिस्कस करूंगा कि क्या 9,000 पद अभी खाली है लोको पायलट के लिए, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि एएलपी की तैयारी करने के लिए आपको मैथ का कैसे आपको तैयारी करना है, फ्रॉम जीरो लेवल से स्टार्ट कैसे करना है और क्या कैसे पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। तो पहले मैं बात करता हूँ कि क्या 15,000 वैकेंसी रेलवे के आने वाले हैं एएलपी के लिए। तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियल नहीं आया है। और कुछ भी ऑफिशियल आता है तो सारे जितने आरआरबी 21 आरआरबी बोर्ड है सारे ऑफिशियल में उसमें नोटिफिकेशन आता है, तो ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। और जो भी ये न्यूज़ वायरल हो रहा है ये बिल्कुल अपने चैनल में व्यूज़ के लिए सारे बना रहे हैं, तो आप इस अफवाह पर ना ध्यान दें और अपना तैयारी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वैकेंसी फ्यूचर में तो आएंगे ही। एंड सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जितना भी आरआरबी बोर्ड जो वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं किया है, सबसे पहले तो उन लोगों को जो भी कुछ नंबर्स रह गए होंगे उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर करेगा, तभी कोई वैकेंसी आएगा। तो सारे बोर्ड चाहेंगे कि पहले वेटिंग लिस्ट को क्लियर करें, फिर जितने जितने वैकेंट पोस्ट है उसके सारा मतलब रिकॉर्ड आरआरबी जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे भेजा जाएगा, उसके बाद ही फिर नोटिफिकेशन बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। तो ये जो न्यूज़ अभी वायरल हो रहा है बिल्कुल फेक है। कोई भी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट दूंगा, तो ये न्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं दीजिए। दूसरा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो 9,000 वैकेंट पोस्ट खाली है, एक न्यूज़ में पब्लिश हुई थी जिसका नाम है नवज्योति जोधपुर, तो उस न्यूज़ के बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो ये न्यूज़ हो सकता है फ्यूचर में कि सारे वैकेंट पोस्ट को लिए वैकेंसी आए, तो ऐसी जो भी सीनियर मोस्ट लोको पायलट है वो बहुत सारे डिवीजन से रिटायर हो रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि इसका सारा रिकॉर्ड जो भी है सारे बोर्ड है उन बोर्डों से मांगा गया है कि कितने कितने वैकेंट पोस्ट होने वाले हैं और फ्यूचर में वैकेंसी को भी निकालना है, तो उसके लिए हो सकता है कि सारे बोर्डों से मांगा गया हो। तो ये न्यूज़ हो सकता है कि कुछ परसेंट सही है, क्योंकि अगर और ऐसे भी हर साल जो भी सीनियर मोस्ट लोको पायलट है वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उसके वजह से वैकेंसी तो काफ़ी खाली हो रही है, तो वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए फ्यूचर में तो एएलपी का पोस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये रनिंग कैटेगरी है, इसमें बहुत ही ज़रूरत है लोको पायलट का, और अभी भी बहुत सारे लोको पायलट का ज़रूरत रहता है। इस पोस्ट में बहुत सारे गाड़ियां अभी चल रही है, तो काफ़ी लोको पायलट का प्रॉब्लम है, तो इसमें उन लोगों को रिलीफ मिलेगा अगर वैकेंसी अगर आती है तो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन होंगे और वो भी एलपीजी बनेंगे लोको पायलट, तो ज़्यादा चांसेस है कि वैकेंसी आ सकती है 2022 या 23 में। तो ये न्यूज़ थोड़ा बहुत सही है लग रहा है मुझे, क्योंकि सारे जगह से तो आरआरबी पोस्ट खाली हो रहे हैं। तो कुछ भी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों के साथ आपको तुरंत अपडेट दूंगा। और एएलपी टेक का वैकेंसी तो आपको फ्यूचर में देखने को अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि 2018 में 63,000 अप्रोक्स वैकेंसी आई थी, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पोस्ट आ गए और बहुत सारे लड़के लोग निकल गए इस वैकेंसी में, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो आप लोग जो भी भाई लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग भी निकलेंगे आगे, जो भी भाई एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी को जारी रखें, क्योंकि फ्यूचर में एएलपी की वैकेंसी आएगी और काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है इस बार, क्योंकि इसमें आपका जो भी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत सारे लड़के लोग वेट कर रहे हैं, उनकी तैयारियां भी अच्छे हो गए हैं, तो आप ये सोचें कि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, और अगर इस बार आप मौका
चुकेंगे तो फिर जा करके आपको सेकेंड चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर में वैकेंसी कब आएगी कब नहीं, तो इस वैकेंसी जब भी आए वैकेंसी आप लोग अपना 100% यहाँ पे लगाइए, मेहनत करिए, तभी जा करके आपको सक्सेस मिलेगा। और कुछ भी अगर डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी मैं अपना तैयारी किया था उसके रिगार्डिंग मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। जो ALP का एग्ज़ाम है वो आपको भी पता है कि 3 स्टेज में एग्ज़ाम होंगे, तो आप किसी में भी अगर बाहर होते हैं तो आप सीधा बाहर हो जाएंगे। तो इसमें टफ है थोड़ा कंपटीशन, और इसमें आप अगर जो भी पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे तो उसका रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तब आपको सारा कुछ याद होते जाएगा, और आपको जब सेट प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे, तो आपका बहुत ही अच्छा तैयारी होने लगेगा। तो आप शुरू में थोड़ा मतलब डर लगता है कि कैसे पढ़े क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो आप लोग इस बेसिस पे पढ़िए, आगे मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मैथ को कैसे प्रैक्टिस करना है और क्या पढ़ना है पहले। तो आप लोग कोई भी अगर टॉपिक आज सपोज आप आज बैठे पढ़ने के लिए, सपोज आप परसेंटेज बनाने बैठे, तो परसेंटेज के जितने सारे प्रॉब्लम हैं उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आता है सारे एक नोट्स अपना बनाइए कॉपी में, और सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख लीजिए, और जो भी आपको ट्रिक लग रहा है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन उस टॉपिक मतलब फॉर्मूला बेस्ड अगर सॉल्व हो रहे हैं तो उस ट्रिक को भी समझ लीजिए अच्छा से, और एक कॉपी में लिख लीजिए। और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ का उस मतलब 0 लेवल से स्टार्ट करिए, मतलब बेसिक लेवल स्टार्ट करिए पहले, और फिर जा करके उसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और आप एक दिन में कोशिश करिएगा कि 2 आवर्स मैथ को टाइम दे, ताकि आपका अच्छा से एक टॉपिक पूरा ख़त्म हो सके। और अगर नहीं भी होता है तो सेकेंड डे फिर से आप पढ़िए दूसरा, मतलब उसी टॉपिक का लेवल इंक्रीज करिए क्वेश्चन का, और आप जो भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो भी सेट प्रैक्टिस करते हैं उससे रिलेटेड खोज करके आपको उस टॉपिक का बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और फिर जाके आप देखिए आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा होने लगेगा, और आप पूरा कॉन्फिडेंटली हो जाएंगे कि हाँ ऐसे तैयारी करना है, और फिर आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। तो मैथ में आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी, और आपको अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होता है तो आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए एक अलग कॉपी में, और जब आप सेकेंड टाइम उस क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे मैंने प्रैक्टिस किया था, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखिएगा कि एकदम इजीली बन जाएंगे। मैथ का बुक के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप लोग को जो भी बुक अच्छा लगता है उसको फॉलो करिए, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक बनाइए ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। और इसमें और भी बहुत सारे मैं जो भी मैं फॉलो किया था उसके बारे में बताऊँगा, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का वीडियो भी मैं बनाऊँगा कि कैसे तैयारी करना है। तो आप लोग जो भी मैं आज बताया हूँ उसको फॉलो करिए, मैथ को प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैथ और रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा अभी फोकस करें, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम बहुत है, अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, आने के बाद टाइम में भी शायद कम मिल सकता है, और कंपटीशन भी टफ होने वाला है, तो आप लोग अभी से तैयारी करिए। फ्रेंड्स आप लोग पूरा तैयारी स्टार्ट करिए, और बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि तैयारी करने लगेंगे तो आपका जितना भी जो भी डर है सारा चला जाएगा, और आप एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जो भी प्रॉब्लम होता है मैं आपके साथ हूँ आपका भाई, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपका आंसर दूंगा। फ्रेंड्स मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपका जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा आपको तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। तो आप इस बात को याद रखिएगा, और जो भी आपका परेशानियां अभी आपको लाइफ में है वो सारा दूर हो जाएगा जब आप एक मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट हो जाएंगे। तो आप ये सोच के पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे तैयारी करें और क्या करें, लेकिन एक दिन आएगा कि आपको लगेगा कि वो दिन भी अच्छे थे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो इसको याद रखिएगा और तैयारी करते रहिए, और ऑलवेज मोटिवेट रहिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है मेरे चैनल में कमेंट करिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वहाँ पे रेड वाला बटन दबा करके, और जो भी ALP एस्पिरेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें मेरे वीडियो को, और जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक लेकर के नेक्स्ट वीडियो में।
तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।